से बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किस तरह से हम लोग इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। जैसे ये देखिए, इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब क्या है, ये आपको दिया होगा वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जब लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ऐसा होगा, और यहां क्या हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई रूट अंडर वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इस फॉर्मूला को देखते हैं कि ये आया कैसे। एक तो आप डिफरेंशिएशन में इसको दो तरीके से बढ़ा सकते हो, एक तो आप ऐसे करना, ये करना सिखाऊंगा, दूसरा जो दूसरा तरीका है वो सिखाता है। क्या है भाई, अगर आप इस साइन इनवर्स को इस साइड लाओगे तो ये क्या बनाएगा साइन वाई, और ये हो जाएगा साइन वाई बराबर एक्स। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या बनाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, याद करिए ट्रिगो में डिफरेंशिएशन के लिए क्या होना चाहिए, एंगल डिनोमिनेटर में मेंटेन होना चाहिए, एंगल मेंटेन करेंगे, एंगल मेंटेन करेंगे यानी क्या लाएंगे यहां डी वाई, और ये रहेगा आपका साइन वाई। तो डी वाई तो आपके पास नहीं था, ये आपने एक्स्ट्रा किया है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां भी डी वाई लाइए और नीचे डी एक्स लाइए, और इधर डी बाई डी एक्स कितना हो गया ऑफ एक्स वन। अब देखो ये, अब यहां पे दो दो जगह डिफरेंशिएशन है, तो ये वाला डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा कॉस वाई, और ये इनटू क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना वन। हमको डिफरेंशिएशन करना था, डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना होता है। तो यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वन बाई कॉस वाई ना, यहां तक दिक्कत आपको। अब देखो यहां पे आप क्लास टेंथ में जाते हैं और अगर साइन वाई का वैल्यू एक्स है तो कॉस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो टेंथ में फॉर्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस पढ़े थे। तो इसी तरह से अगर हम कहें तो कॉस स्क्वायर वाई बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई साइन वाई का वैल्यू है तो ये कॉस स्क्वायर वाई बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहां से आप कॉस वाई का जब मान निकालोगे तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको फाइनली जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या मिल जाएगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस मिलेगा। और देखिए ना, यही फॉर्मूला था ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक। तो अगर आपको इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है क्वेश्चन तब भी बनेगा, लेकिन तब स्टेप देख लीजिए कितना बड़ा हो जाएगा, ये कितना बड़ा हो जाएगा सो देख लीजिए, और फॉर्मूला याद होगा तो कितना जल्दी होगा सो देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है तो इसके यूज करते समय भी
कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे क्या ध्यान रखना होगा तो देखिए, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक बात जब हमने आईटीएफ पढ़ा था तो ये हमने देखा था कि साइन के बाद एंगल होता है, लेकिन साइन इनवर्स के बाद वैल्यू होता है। क्या था तो यहाँ पे ये जो एक्स है वो क्या है, वैल्यू है। तो यही वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में मेंशन होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो रिजल्ट में आपको क्या देगा, 1 - x2। फिर से वही वैल्यू आएगा। अगर इसी फॉर्मूला को हम लैंग्वेज में लिखें तो कहानी कुछ ऐसा है, डी बाई डी डी और यहाँ पे है साइन इनवर्स, कोई वैल्यू होगा या कोई फंक्शन कह देता हूं यहाँ, तो बाई में भी क्या आना चाहिए, ये भी फंक्शन आना चाहिए, और ऐसी हाल में रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 √(1 - ) और जो फंक्शन होगा ना, इस फंक्शन का स्क्वायर। देखते हैं, तो जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे फॉर्मूला को यूज करते हुए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। साइन को तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करके कि वो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या मानना है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा cos y, यानी कि cos y इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लिखिएगा आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, d बाई क्या बनेगा जी, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इज इक्वल टू होगा d बाई डी एक्स ऑफ, देखो फिर cos एंगल में y है तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, y के, और यहां ठीक है। अब ये जो डी वाई है ये ऊपर जाएगा फिर से, और बाई में क्या रहेगा, डी एक्स, ये वन हो गया। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करिएगा माइनस साइन वाई होगा इनटू डी वाई बाई डी एक्स जो कितना है, अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये माइनस वन बाई कितना साइन वाई। आप देखोगे सोचना कि cos x का वैल्यू, cos y का वैल्यू यदि x है तो sin y का वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर cos y दिया गया है तो sin y कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू √(1 - cos²θ। तो ठीक इसी तरह से sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √(1 - cos²y, और cos स्क्वायर वाई का वैल्यू यानी cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx 1 - √(1 - ठीक। तो गौर करिए, sin का डिफरेंशिएशन और cos का डिफरेंशिएशन इनवर्स में बहुत अंतर नहीं होता है, बस इसमें sin में प्लस था तो cos माइनस में हो गया। कोई दिक्कत, कॉस वाले के लिए इस फॉर्मूला में क्या आपको मेंटेन करना होगा, बस और कुछ अंतर नहीं है, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉस के बाद जो होगा यहाँ फंक्शन के तौर पे एक्स वाला वही डिनोमिनेटर में मेंशन करना, तब जाके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, तो -1 √(1 - जो कॉस के बाद होगा ना, जो कॉस के बाद होगा रिजल्ट में फिर से आपको वही मिल जाए। दिक्कत है, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन करके tan इनवर्स x का।
चलो तो टैन इनवर्स x पर डिफरेंशिएट करते हैं, ये सबका सब फॉर्मूला है जिसे याद रखना है। तो टैन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करिएगा तो पहले मानना होगा y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। तो जब y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x है तो फिर यहां से टैन y बराबर कितना हो जाएगा, और क्या लिखेंगे इसके बाद, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ टैन y। देखो y है एंगल में तो डिनोमिनेटर में y लाओगे, ये क्या होगा टैन y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो टैन y का डिफरेंशिएशन कितना होगा सेक स्क्वायर y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहां से जब आप डी वाई बटा में डी एक्स निकालिएगा ये क्या आएगा वन बाई सेक स्क्वायर y। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्लास टेंथ में पढ़े थे, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर y बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर y होगा, और tan स्क्वायर y के लिए x स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें 1 by 1 प्लस, ठीक है। tan inverse x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, अब इसी चीज को हम यहां लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएट आप इस बार किए हैं टैन इनवर्स x को तो मिलेगा टैन के बाद जो फंक्शन होगा उसी को डिनोमिनेटर में अगर हम कॉपी करा देंगे मिला देंगे टैली करा देंगे तो रिजल्ट में, ठीक है। तो अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया, उससे cot इनवर्स x का करके देखते हैं। चलो तो tan इनवर्स x का हो गया, तब हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं cot इनवर्स x का। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है y बराबर cot इनवर्स x, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा cot y बराबर x हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cot y और ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cot y है। देखो एंगल में y है तो y लाओगे और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन होगा। बताओ cot y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई cosec स्क्वायर वाई। फिर cosec स्क्वायर वाई का क्या फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर वाई का फॉर्मूला है वन प्लस cot स्क्वायर y, तो ये क्या बना आपका dy by dx of माइनस वन बाई वन प्लस x स्क्वायर। दिक्कत है, तो इधर फॉर्मूला में आप cot के जगह tan के जगह cot कर दीजिएगा और यहां एक माइनस लगा देंगे, तो देखो sin में माइनस लगा है तो cos का बन गया है, tan वाला में माइनस लगा दिए हैं तो cot का बन गया है, तब दो ही तो बचा है sec और cosec, उसका भी करके देखते हैं।
चलिए देखते हैं करके डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स सेक का, ठीक है देखा जाए। चलो इसको मिटा दूं, नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दूं इसे। दीपक मिटा दे, रुक जाओ। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग sec इनवर्स x को। सपोज कर लेते हैं y बराबर sec इनवर्स x। अगर y बराबर sec इनवर्स x है तो यहां से आप x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू निकालिए तो ये बनेगा sec y इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ sec y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा। चलो यहां डी वाई ना होगा जी, फॉर्मूला सेट किया है आपने तो। sec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec y इंटू tan y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये क्या आएगा, वन बाई sec y इंटू, देखो sec y का तो वैल्यू x है ही, अब किसका निकालना है tan का, तो फॉर्मूला ये भी आपने टेंथ में पढ़ा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहां से अगर आप tan स्क्वायर y की बात करिएगा तो sec स्क्वायर y माइनस वन, sec स्क्वायर y कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन, और tan निकालिएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx हो जाएगा वन बाई एक्स और इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। मोड में ये एक्स कैसे जाएगा, ये ऐसा मोड एक्स कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है इसका, ठीक है, इसका कोई सेंस कुछ खास मतलब नहीं है, वो पॉजिटिव करने के लिए वैसा कर दिया गया। अब इसी को अगर हम चाहें तो यहां आप इस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन बना के, नहीं भी लिखे मर्जी आप। तो sec का हो गया, इसी तरह से चाहेंगे तो हम cosec इनवर्स x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है वो आप कर लेंगे, दिक्कत इतना नोट करिए। अब फिर इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसकी इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है वैसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करने आया है या नहीं आया है। तो पहला क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स रूट एक्स को, दूसरा क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है sin इनवर्स cos x को, और थर्ड क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है cos sin इनवर्स x। ये तीन क्वेश्चन को अभी डिफरेंशिएट करना है, देखिए तो करके क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करता हूं। पहला क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएट करना है, यहां ध्यान दिया जाए, एक बाहर से दबा दो लाइन वाला, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो d अपॉन dx ऑफ ये होगा tan इनवर्स रूट एक्स ना, नहीं हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो tan के बाद फंक्शन होगा उसी को ना नीचे लाएंगे, तो नीचे किसको लाओगे, रूट एक्स को, क्या राहुल यही लिखा था ना कि जो tan के बाद होगा ना उकरे के घींच के नीचे ला देना है, ये जो नीचे लाया है ना फिर इकरा को घींच के ऊपर ले जाना है, और जो इकरा में dx बचल था वो लिख देना है ना। अब देखो tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग, लिखे हैं 1 बटा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब क्या, टैन के बाद जो रहेगा ना ओकरे स्क्वायर, तो टैन के बाद रूट एक्स है तो एक स्क्वायर। इधर देखो रूट एक्स का तो हम लोग कभी से पढ़ते आ रहे हैं टू रूट एक्स, तो आंसर हो गया वन आई एक्स, रूट एक्स के स्क्वायर करोगे तो एक्स आएगा, इंटू में क्या रहेगा टू रूट एक्स रहेगा, यही आंसर हो गया वन बाई टू रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स। दिक्कत? अब चलो इस वाला को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन को ना। तो बुआ देखो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप कई गो काम कर सकते हैं। एक्चुअली में हम जो आईटीएफ का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का सेंस क्या है तो समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को दो ढंग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक तो सीधे डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे सीधे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ सोचना विचारना नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ई डिफरेंशिएशन के समय ध्यान क्या रखते हैं कि जो साइन के बाद होगा ना ओकरे के खींच के नीचे लाएंगे, क्या राहुल? यही ना, जो साइन के बाद होगा उसको खींच के नीचे लाएंगे और फिर ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बटा में क्या रहेगा dx रहेगा। अब देखो साइन इनवर्स वाला में क्या था, वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माने कि साइन के बाद जो है सो का है, कोई दिक्कत? आई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। आई देख फॉर्मूला है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा साइन थीटा होगा, तब तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसको काट दोगे तो का बचेगा, बचेगा ना। देखो एकरा में कुछ नहीं सोचे हैं हम लोग, एकदम बैल लेखा डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सोच के डिफरेंशिएट करते हैं, क्या सोचते हैं कि अभी तो हमने आईटीएफ पढ़ लिया है, आईटीएफ जब हम पढ़े थे तो बेसिक में क्या सोचे थे कि जवन पहले होगा ना देखो उहे अंदर चाहिए, माने पहले साइन है तो अंदरों के साइन बनाएंगे, तो कॉस थीटा को साइन थीटा बनाने का कौन उपाय है, क्या उपाय है? तो ये फॉर्मूला बचपने में टेंथ में पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस पढ़े थे, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको साइन इनवर्स आई कॉस को क्या लिख सकते हो जी, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत? हाँ साइन ना होगा रे, ये वाई बराबर मान लो कि वाई बराबर है, तो देखो भाई ये बाहर वाला साइन इनवर्स से अंदर वाला साइन तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो का बचाएगा जी वाई बराबर पाई बाई टू माइनस बचाएगा। अब अगर हम लोग इसमें करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनाएगा डी वाई बटा डी एक्स, ये बनाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, यही ना बनाएगा जी। तो E तो तेरा क्या रह गया, E रह गया dy बटा dx, आई पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन जीरो, आई dx बटा dx हो गया वन, अब पहले माइनस है तो देख लो यहाँ आया था माइनस वन, यहाँ आया है माइनस वन, लेकिन ये है बैल लेखा, कुछ सोचे नहीं है कर दिए हैं, ठीक है। ए सोचने वाला है, ITF यूज किए हैं, तो आगे जब हम लोग चलेंगे ना थोड़ा सा आगे, जब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलना लगेगा ना भारी भारी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तब हमको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। शुरू में ITF पढ़ने का यही मतलब था कि हम क्वेश्चन में ITF यूज कर सकें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों हम लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था, यहाँ देखो नहीं
दिया गया था y बराबर क्या था रे, cos साइन इनवर्स x। देखो ITF एक छोट सा बात कहता था, क्या कहता था कि बाहर cos है तो अंदर भी cos लाओ, बस यही कहता। तो किसी भी तरीके से हमको साइन इनवर्स को cos में बदल देना है, समझिएगा। साइन इनवर्स x को अगर थीटा मानिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर x। बाहर cos है तो अंदर क्या बनाएंगे, cos। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू x है तब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स रूट अंडर, समझा। और न तो दूसरा रास्ता देखो, साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, यानी कि ई जो है ना वैल्यू है, माने p बटा एच है, कहे तो p का मान कितना होगा, एच का मान कितना बचा है, क्या निकाल देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस। अब कॉस में क्या होता है, b बाई एच, तो वन बटा b बटा एच, तो b कितना हो गया रूट अंडर, अब बटा दिक्कत लिख दे, y बराबर हो गया cos, e हुआ cos इनवर्स, रूट के अंदर में वन माइनस। अब देखो ना cos इनवर्स से cos इनवर्स का काम खत्म हो गया, तो क्या बच गया, y बराबर रूट अंडर वन माइनस। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें, करेंगे तो क्या बनेगा, dy बटा dx। इसमें देखो जो रूट के अंदर है, याद करो ये वाला फॉर्मूला, जो रूट के अंदर है उसको डिनोमिनेटर में मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऐसा होगा बाई डी एक्स, तो रूट वाला का वन बाई टू रूट एक्स, इसका माइनस कट गया तो माइनस एक्स बटा रूट अंडर कितना, वन माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का आईटीएफ में एक और रास्ता, देखिए आईटीएफ में एक और रास्ता क्या था, कि आईटीएफ में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो हमको कॉस है तो कॉस चाहिए था, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाता वाई बराबर कॉस, और ये पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाता, कोई दिक्कत है तो कहो। आई कॉस ए माइनस बी लगा सकते थे, लगाते तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए और साइन बी, अच्छा तो कर देते, लेकिन फिर देखो बाहर में साइन है अंदर में तो काम फिर इसको बदलना ही पड़ता ना, इसको बदलना ही पड़ता फिर से, तो इसे थोड़ा सा और लंबा हो जाता। अच्छा, एक और काम कर सकते थे, ये क्या कर सकते थे, y बराबर ये है ना, तो cos को या sin को एक को पर भेज दीजिए, भेज देंगे तो क्या बन जाता, तो ये बन जाता cos इनवर्स y बराबर sin इनवर्स, बन जाता दोनों साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब dy by dx निकालते हैं, लेकिन ये भी आसान नहीं होता, बन तो जाता लेकिन ई वाला भी आसान नहीं होता, ये भी भारी होता, ठीक है। तो हमको निकालें,
तो आप अगर देखेंगे तो बात कहने का मतलब ये है कि ITF में जो हमने थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ा था वो सारा फॉर्मूला हमको अभी याद होना चाहिए, तब जाके हम ITF के डिफरेंशिएशन को कर पाएंगे। सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए, न तो ITF के क्वेश्चन को बनाना बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है।